न्यू सर्कल में और पीटे जो एरिया है, इस ऐतिहासिक समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री क्षेत्र के सांसद और राज्य का सीनियर लीडर श्री तपिर गाव जी, यहाँ इस क्षेत्र के नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑनरेबल MLA श्री केंतो रीना जी और पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी लिखावाली के ऑनरेबल MLA श्री कर्दो निग्योर जी और ईस्ट सियांग से आए हुए हमारे ऑनरेबल MLA श्री कालिंग मोयोंग जी, सीनियर लीडर ऑनरेबल MLA श्री निनोंग इरिंग जी, लेपरादा के ऑनरेबल MLA श्री गोकर बसर जी, यहाँ उपस्थित फॉर्मर MLA श्री ततुम जामो जी, मैडम दुई गांव जी और सरकार में सेक्रेटरी कल्चर अफेयर्स श्री ताई कई जी जो कि यहीं का ही निवासी है, डिप्टी कमिश्नर लोअर सियांग श्री रोजम रक्षक जी, SP लोअर सियांग श्री कोतुम्बू जी, JPM नारी मिसेस जुनाकी कई जी, JPM सेरन श्री मार्गम गोई जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस लोअर सियांग जिले के अध्यक्ष श्री मोनी रिवा जी, यहाँ उपस्थित सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के हमारे भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज श्री टेची नेचा जी और खास करके आज के इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन श्री पाकियोर कोयू और पूरे उसके टीम मेंबर्स, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री गोकुम कम्बो जी और मंडल के सभी सदस्य उपस्थित, हमारे पंचायत लीडर और सभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए अलग अलग गांव से आए हुए पूरे डेलीगेट्स और भाइयों और बहनों और पोनू की कल्चर पार्टी मीडिया के दोस्तों, आज हमारे लिए भी बहुत ही खुशी का अवसर है कि मैं सबसे पहले इस अपना कोयू सर्कल में आने का आज मौका मिला और इतने अच्छे प्रोग्राम में यहाँ पिकते एरिया में आके फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी का हम लोग एक साथ इसको हम लोग फाउंडेशन लेकर पाया है। तो इसके चलते सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय विधायक श्री केंतो रीना जी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के पूरे मैनेजमेंट टीम आप सभी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सब ने इतना हिस्टोरिक एक ओकेजन पर हमको याद किया है। जो यहाँ के स्थानीय जो अपने जो ऑफिसर सेक्रेटरी कल्चर एफेयर श्री ताई कई जी का स्पीच हम सब लोग ने सुना है। एक्चुअली हमको पता नहीं था कि ताई कई साहब इसी एरिया के रहने वाला है। उन्होंने उसका स्पीच में काफ़ी इसमें स्ट्रेस किया कि इतने सैकड़ों मोर देन सेंचुरी ईयर हो गया कि यहाँ पे कनेक्टिविटी खास करके इस एरिया में नहीं आया, मगर हम बिल्कुल रियलाइज कर सकते हैं खास करके इस तभी रिपो एरिया में जितने भी जो गांव हैं आज इस ब्रिज का फाउंडेशन ले होने का बाद उनका जो खुशी है वो हमें भी बिल्कुल महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले आज जो फाउंडेशन स्टोन ले हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ RCC ब्रिज एट पिकते पॉइंट ऑन रिवर सीन टू कनेक्ट तभी रिपो सकू विलेज ऑन कोयू गोयू रोड स्पेंड 120 meters अंडर CRIF सेतु बंधन जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 26 crore 33 lakhs। तो इसका मैं यहाँ के निवासी लोगों का आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए हम सब लोग ने आज यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले किया है। आने वाला कुछ ही सालों में ये ब्रिज बन के तैयार भी हो जाएगा और इसका उद्घाटन में भी हम ही आके यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, ये हमारा वादा रहा आप सभी से। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं पिछले 2-3 महीने से पूरा अरुणाचल के टूर में है और ये हमारे लिए नया बात नहीं है। हमेशा जो अक्टूबर होता है तो अक्टूबर से लेके मार्च जो 5-6 महीना का जो टाइम होता है थोड़ा मौसम साथ देता है, तो इसलिए अरुणाचल का हम पूरा टूरिंग कर रहा है पिछले 7 सालों से, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिक जो कंडीशन है काफ़ी बड़ा स्टेट है। तो यहाँ में काफ़ी सीनियर लीडर्स लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तपी गाँव साहब हो गया, निगम इरिंग साहब हो गया, काफ़ी सीनियर लीडर है और अब ऑफिसर्स में भी काफ़ी सीनियर लोग हैं, पॉलिटिशियंस में भी काफ़ी सीनियर लोग यहाँ पे बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को जिस हिसाब से हमने जो देखा है दूर दराज डिस्ट्रिक्ट सर्कल दूर दराज गाँव में जाके
हमें ये लगता है कि अरुणाचल में जिस प्रकार से हमने अरुणाचल देखा है, कोई भी व्यक्ति अरुणाचल में आज नहीं होगा जो हमने जिस प्रकार से देखा है। मैं हमेशा टूरिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों का एरिया में क्या प्रॉब्लम है और लोगों का क्या चाहत है, लोगों का सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए जो आंखों देखा हाल जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, वो देखने से तो हमको पता चलता है कि पॉलिसी में किस प्रकार से राज्य सरकार या केंद्र सरकार में चेंजेस लेके आना है। तो पिछले 7 वर्षों से हम इतना टूर किया अरुणाचल प्रदेश में, आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका कोई सर्कल में यहाँ पे आया हूँ, मगर आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नारी एरिया में मैं आया हूँ और बाकी एरिया में भी मैं आया हूँ, तो कोल्यू में मेरा ये फर्स्ट टाइम है। उसी प्रकार से अरुणाचल में जितने भी जो सर्कल्स है उसको हम कवर करते हुए और जहाँ भी सर्कल में ऑलरेडी हम पहुँच गया, फिर उससे आगे हम इवन गाँव तक में भी मैं जा रहा हूँ। अब जिस हिसाब से थोड़े पहले अपना ऑनरेबल एमपी श्री तपिल गांव साहब के स्पीच में जो कहा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साहब के लीडरशिप पर अभी काफ़ी चेंजेस हम लोगों को देखने को मिला है 2014 ऑनवर्ड्स, 2014 से देखिए अभी करीबन 10 साल उनका टेन्योर एस प्रधानमंत्री उनका कंप्लीट हो रहा है। तो इस 10 सालों के अंतर्गत में इतना सारा चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योग्राफिकली पूरे देश में पूरे भारत देश में वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एरिया है। अभी आप लोग तो काफ़ी लकी है, इनफैक्ट जो लोअर सियांग का जितने भी जो लोग हैं अपना लिखावाली कॉन्स्टिट्यूंसी और अपना नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, आप लोगों का ज़मीन इतना अच्छा है, यहाँ का वेजिटेशन इतना अच्छा है। अगर आप लोग मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जाके देखिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी जंग मुक्तो तवांग डिस्ट्रिक्ट का है, जंग मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ में ना ज़मीन है, पूरा पहाड़ी पहाड़ का बीच में ही है और वहाँ मानसून में तो बारिश होता है, मानसून ख़त्म फिर वहाँ बर्फ शुरू हो जाता है, तो अभी भी तवांग में पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो आप लोगों का यहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ और ये भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि अर्थवाइज जो सियांग रीजन हमारा पुराना 1972 में जो 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था हर एक रीजन का, तिराप हो गया, लोहित हो गया, सियांग, सुबनसिरी और कामेंग, उसमें अगर देखा जाए तो अर्थवाइज जो सियांग रीजन है वो सबसे बेस्ट मतलब पोटेंशियल एरिया, जगह भी बहुत सुंदर है, एरिया भी बहुत अच्छा है, हॉर्टिकल्चर ये एग्रीकल्चर को लेते हुए डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत ही अच्छा है, टूरिज्म का क्षेत्र में भी वो काफ़ी अच्छा है। तो इसमें इन सारा जो आप लोगों का जो पोटेंशियल एरिया को गवर्नेंस में किस प्रकार से शामिल करना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये सरकार का जिम्मेदारी होता है। सो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इसलिए मैं टूर में हमेशा आता हूँ, लोगों का एस्पिरेशंस को मैं सुनता हूँ, यहाँ के जो पंचायत है, यहाँ के जो विधायक है क्या चाहत है, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी आपका डिस्ट्रिक्ट को किस हिसाब से और आगे लेके जाना चाहिए, तो इन्हीं सब खोज के लिए मैं पूरा अरुणाचल 5-6 महीना हमेशा टूर में मैं बिताता हूँ और कोशिश करता हूँ जो बजट सेशन बने या फर्दर फिर यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी प्रपोजल जाए आप लोगों का रिक्वेस्ट का मुताबिक ही हम लोग यहाँ से भेज पाए। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि 2014 से बाद गवर्नेंस का पॉलिसी में गवर्नमेंट का अप्रोचेस में काफ़ी बदलाव आया है। अभी हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब रक्षा साहब यहाँ बैठा हुआ है, तो अभी नया नया डीसी बन के आप यहाँ इस दिल्ली में एस डीसी बन के आया, तो ये अच्छा ऑफिसर है, पहले वेस्ट कामिंग में काफ़ी साल हमारे साथ वहाँ वेस्ट कामिंग में भी काम किया हुआ है। तो ऑफिसर्स जो लोग आज यहाँ में विराजमान है आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो वर्किंग पैटर्न में भी काफ़ी चेंज हुआ है। पहले तो ऐसा था कि उतना अकाउंटेबल नहीं था, मगर अभी का जो वर्किंग पैटर्न है, माननीय पीएम साहब जितने भी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सीएम्स को 2 या 3 महीना में वहाँ पे रिव्यू मीटिंग हम लोग करते हैं, तो पीएम साहब खुद ही रिव्यू मीटिंग लेता है और जितने भी जो बीजेपी का सीएम है उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा के खुद एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये नहीं कि हमारे साथ कोई ऑफिसर चला गया, चीफ सेक्रेटरी चला गया, वो एक्सप्लेन किया और सीएम साहब बैठ के देख रहा है, ऐसा नहीं होता है। सीएम को ही एक्सप्लेन करना पड़ता है वहाँ पे जो जो पैरामीटर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आता है और पार्टी से जो आता है उस आधार पर राज्य में क्या क्या रिफॉर्म्स और हम लोग ने सुधार लेके आया, उसको डिस्कस करते हुए
साथ साथ फिर नेक्स्ट मीटिंग का भी एजेंडा हम लोगों को हैंड ओवर कर देता है कि 2 महीना बाद इस एजेंडा पे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। उस एजेंडा को हम लेके फर्दर में उसको अपना कंसर्न डिपार्टमेंट का मिनिस्टर्स लोगों को हम सौंपते हैं कि 1 महीना या 1 महीना 15 दिन का बाद में इसमें हम रिव्यू करेंगे पूरे हमको स्टेटस और पूरा इसका जितने भी अचीवमेंट्स हर्डल्स जो भी है लेके आने के लिए। तो अकॉर्डिंगली फिर मिनिस्टर सेक्रेटरी डायरेक्टर्स या चीफ इंजीनियर जो भी डिपार्टमेंट है उनका जो भी इश्यूज है उसको डिस्कस करके फिर हमारे पास लेके आता है, उसको लेके फिर फर्दर में फिर मीटिंग में जाता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सेक्रेटरीट में मिनिस्टर हो गया सेक्रेटरी डायरेक्टर या चीफ इंजीनियर को मीटिंग करने के बाद टाउन के 9 डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है डीसी और पूरे डीसी का पूरे टीम के साथ में। तो इस प्रकार से कनेक्ट अपना भारत सरकार राज्य सरकार से लेके हमारा सेक्रेटरी डायरेक्टर से लेके डिस्ट्रिक्ट जो डीसी और जितने भी जो डिपार्टमेंट्स है टिल दिन हम लोग का फील्ड ऑफिसर जो ग्रास रूट में जो काम करता है। तो इस प्रकार से वर्किंग पैटर्न में भी काफी चेंजेस हम लोग ने लेके आया है। तो उसी का ही एक नतीजा है कि आज अरुणाचल प्रदेश में हर एक सेक्टर में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है। अरुणाचल का पुराना जो जो कहानी है बीजेपी सरकार आने से पहले हर एक सेक्टर में पूरे देश के जितने भी जो राज्य है स्टेट्स का उसका अभी जो भी सब्जेक्ट्स में जो भी फील्ड में कंपेयर करने से हम लोग सबसे बॉटम में हुआ करते थे, लोएस्ट हर एक सेक्टर में, कनेक्टिविटी में बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलो, लॉ एंड ऑर्डर में बोलो, एजुकेशन में बोलो, हेल्थ में बोलो, हर एक एक्टिविटीज में सबसे लोएस्ट अरुणाचल से शुरुआत होता था लोएस्ट। मगर आज के दिन में पिछले 8 वर्षों में जिस हिसाब से हम लोग ने टीम अरुणाचल का कॉन्सेप्ट को लेते हुए अपना राज्य है वी शुड टेक द ऑनरशिप का जो अप्रोच को लेते हुए काफ़ी सुधार आया है और बहुत सारा पैरामीटर्स में अभी हम लोग देश का इस राज्यों में नंबर 1 में भी जाके पहुंचा है। बहुत सारा अवार्ड्स भी हम लोगों को पिछले 3-4 सालों में हम लोगों को मिलना अभी शुरुआत हो गया है। तो ये सब होता है एक टीम वर्क का एक हम लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। जो भी अवार्ड्स मिलते हैं मैं सिर्फ मुख्यमंत्री हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, मैं बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं हूँ हम बोलने वाला आदमी। हम सब लोगों का योगदान करना है, करना चाहिए ऐसे टीम, मैं एक टीम वाला आदमी हूँ। अकेला तो मैं D1 को ही बना, मैंने कहा 2016 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा कि अगर पेमा खंडू अकेला को चलाना है इस राज्य को तो मैं 1 इंच भी हम हिला नहीं पाएगा। इसलिए मैंने टीम अरुणाचल का मैंने बोला है सब सिटीजन्स को कि अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों को लेना होगा। मुख्यमंत्री से लेके गवर्नमेंट स्तर पर पूरा एक कंटिजेंसी था, प्राइवेट सेक्टर में पूरे बिजनेसमैन से लेके जो भी हम लोग कार्य करते हैं सबको रिस्पॉन्सिबल एक लेना होगा, तब तो जाके हमारा स्टेट में थोड़ा सा हम लोग सुधार आ पाएगा। इसके बाद हम लोग रिफॉर्म करने का बाद देन वी कैन ट्रांसफॉर्म एंड देन वी कैन प्रोस्पर। तो इसी हिसाब से सब लोग ने कोशिश किया है, राज्य सरकार में जितने भी राज्य कर्मचारी है अपना लेवल में कोशिश किया, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं वो लोग ने भी अपना कोशिश किया और गांव लेवल में जो भी हमारा गांवराज है वहाँ की पंचायत है सभी लोग ने अपने अपने स्तर पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनका है उन लोग ने संभाला। और साथ साथ हमारा CBOs अरुणाचल प्रदेश में 24 मुख्य जनजाति है, तो जितने भी जो CBOs ने भी अपना अपना सब्जेक्ट अपना अपना कम्युनिटी लेवल में जो रिफॉर्म करना चाहिए जो हैंड होल्डिंग करना चाहिए कम्युनिटी को उसमें आके वो लोग सबने संभाला। तो अभी अरुणाचल प्रदेश वाकई में अभी आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए आज नरेंद्र मोदी साहब को हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला जो अरुणाचल जैसे नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी इतना अच्छा डेवलपमेंट लेके आया है उनके आशीर्वाद से। तो इसलिए आने वाला चुनाव में भी 2024 का चुनाव में भी हम लोगों को अगर नरेंद्र मोदी जी को और भी उनका हाथ को मजबूत करना है तो ये अपना नारी को कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ये पूरा अपना ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में आता है, यहाँ में पूरे हमारा जो सांसद को भारतीय जनता पार्टी को सांसद का हम लोग थम्पिंग विक्टोरी से यहाँ से बेचना है और नरेंद्र मोदी जी का हाथ और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है हम लोगों को। अगर इतना हम लोग कर नहीं पाएगा तो अरुणाचल में जो आज भारत सरकार की ओर से
कनेक्टिविटी में बोलिए, हर एक सेक्टर में जो मदद किया है उसको हम लोग थैंक्स कैसे बोलेंगे। तो यही एक मौका है माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को अरुणाचल के वासियों को और से अगर थैंक्स एक्सप्रेस करना है तो ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने वोट दे के थंपिंग विक्ट्री से यहाँ से दोनों सांसद बीजेपी का खाता में डाल के बेचना है ताकि मोदी साहब का हाथ वहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग हो। वहाँ दिल्ली का सरकार, यूनियन सरकार भी हम लोग ने देखा, जब हम लोग मेजोरिटी जब आते हैं तो अच्छा काम करते हैं, जो मिला जुली जो सरकार आते हैं तो आप लोग भी देखा यहाँ पे जितने भी सीनियर सीनियर्स लोग जो बैठा हुआ है उसमें क्या होगा कि सरकार का एक वीकनेस हो जाता है, उसमें आप सबको पता है कि टफ डिसीजंस ले नहीं पाता है क्योंकि मेजोरिटी नहीं है आपके पार्टी का, मिला जुला सरकार है और राज्य सरकार में भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए अगर आपको और भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए तो वन साइड होके पार्टी को आप लोग आशीर्वाद देना है तो जाके पार्टी और भी हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। अभी पिछले 8-9 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारा प्रोग्रेस हम लोग ने लेके आया हुआ है। तो आप सबको एमपी साहब ने जो बताया कि जल जीवन मिशन में हो गया, हर एक सेक्टर में हो गया, अपना खास करके जो गरीब लोगों का जिसका पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना उसका अंतर्गत में केंद्र सरकार से भी फंड आता है और राज्य सरकार से भी हम लोग एक घर को फिर 20,000 राज्य सरकार के ओर से भी हम लोग देते हैं। तो ऐसे करके पूरे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग PMAY में काफ़ी सारा घर हम लोग ने बना दिया है। जल जीवन मिशन में अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के साथ में अगर हम बताएगा तो 2016 तक में जो हाउस होल्ड में जो वाटर कनेक्शन था 22,800 हाउस होल्ड ही वाटर कनेक्टेड था। लास्ट ईयर 2023 का आंकड़ा देखिएगा तो वो 22,800 से हम लोग बढ़ा के अभी 224,000 हम लोग क्रॉस कर लिया है। JGM का तो कुछ ही महीना में हम लोग 100% अचीवमेंट उसको हम लोग करने वाला है। इलेक्ट्रिफिकेशन में 2016 में 1,48,000 को हाउस होल्ड में इतना ही 1,48,000 में ही घर में लाइट था तो उसको बना के हम लोग ने 2023 तक लेके आया है 3,02,000 घरों में हम लोग बिजली पहुंचा पाया है, 104% इंक्रीज हम लोग ने कर पाया है। और खास करके कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग ने किया हुआ है। एवरेज पर ईयर जो किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी जो होता है 2016 तक जो अरुणाचल का जो एवरेज रोड का जो बेस था कनेक्टिविटी, एक साल में अरुणाचल में रोड बनता था 2016 में करीबन 300 किलोमीटर उसमें पूरा डिपार्टमेंट सब मिला के 2016 में एवरेज पर ईयर में 300 किलोमीटर का एवरेज था हम लोगों का। तो लास्ट ईयर हमने एवरेज निकलवाया तो एक साल में हम लोग ने 2,838 किलोमीटर पर ईयर हम लोग रोड्स, नया रोड्स हम लोग ऐड करते हैं, 800% इंक्रीज पेस में। उसको अगर किलोमीटर वाइज में अगर आप देखिएगा तो रूरल रोड्स में था 2016 में हम लोग पास रूरल रोड्स PMGSY और जितने भी जो गांव के रोड्स पूरा लेंथ मिला के अरुणाचल में था 3,800 किलोमीटर, 3,800 किलोमीटर ही था 2016 तक। तो 2016 से लेके 2023 में वहाँ में हम लोग ने बना के अभी तक अभी जाके पहुँचा है 13,427 किलोमीटर विद एन इंक्रीज ऑफ 250%, 250% का हम लोग ने इंक्रीज कर पाया। नेशनल हाईवे का था हम लोगों का 2016 में 1,042 किलोमीटर का था, उसको 2023 तक में हम लोग ने बढ़ा के लेके गया 1,992 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे, दैट इज 91% इंक्रीज। और यही नहीं बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना स्टेट का बजट, क्योंकि हम लोग जब घर में कुछ प्लान करने से अपना इनकम कितना है अकॉर्डिंगली हम लोग घर का भी प्लानिंग करते हैं। घर का अपना इनकम अच्छा होने से हम लोग चांग घर के सामने एक परमानेंट बिल्डिंग भी हम लोग बनाते हैं, फिर अगर इनकम अच्छा होने से एक गाड़ी हम लोग लेते हैं और इनकम अच्छा होने से थोड़ा सा बड़ा गाड़ी लेने का भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। उसी प्रकार से स्टेट का भी जो इनकम उसका आधार पर राज्य सरकार को बजट हो गया, प्लानिंग हो गया, उसमें हम लोग करना पड़ता है। GSDP जो था हम लोगों का 2016 में
20,373 करोड़ था, उसको हम लोग ने 136% बढ़ाते हुए लास्ट ईयर हो गया 48,028 करोड़। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम ये इम्पोर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम पर हाउस होल्ड में 1,16,985 को उसको बढ़ा के लास्ट ईयर 2,39,770 137% हम लोग ने पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाया। और जैसे मैंने कहा कि अपना स्टेट का जो इनकम 2016 का बजट में मैंने देखा तो स्टेट का इनकम था केवल 900 करोड़ एक साल में, अपना स्टेट का ही इनकम 900 करोड़ था। तो उसको ईयरली बढ़ाते बढ़ाते लास्ट ईयर 2023 का बजट में हमने देखा वी हैव टच्ड नाउ 3,500 करोड़, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 400% हम लोग ने इनकम इंक्रीज किया है। स्टेट बजट में 2016 में था हम लोग का राज्य का जो बजट था 12,500 करोड़ था हम लोग का स्टेट का बजट, और लास्ट ईयर 2023 का हमारा जो राज्य का बजट है डबल से भी ज़्यादा करके नाउ वी हैव टच 30,000 करोड़, 140% हम लोग ने जम मारा है बजट में। तो ये जो डेवलपमेंट होता है हर एक फील्ड से डेवलपमेंट हो रहा है। आज देखो हमारा यूथ लोगों का जो अरुणाचल का जो भविष्य है वो हमारा नौजवान लोग है, जो स्कूल कॉलेजेस में जो लोग पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ रहा है, वही हमारा फ्यूचर है। तो यूथ को भी प्रमोट करने के लिए बहुत सारा अलग अलग एक्टिविटीज हम लोग ने स्टेट से स्टेट इवेंट हम लोग ने डिक्लेयर करते हुए सपोर्ट करते हुए पिछले 7-8 सालों में हम लोग ने काफ़ी प्रमोशन दिया। आज देखिए हमारा संगीत के क्षेत्र में वहाँ बॉलीवुड में अपना होना चाहिए, बच्चे लोग वहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके गाना गाते हैं, उनका गाना फिल्मों में आते हैं, हमारा अरुणाचल के एक्टर एक्ट्रेस होके वहाँ बॉलीवुड में जाके उन फिल्मों में आते हैं। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन 2016 से लेके लास्ट 2023 तक लगभग 1000 मेडल्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हम लोग ने लेके आया है। स्पोर्ट्स में पहले अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी प्रकार का नेशनल इवेंट हम लोग होस्ट कर नहीं पाता था क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी हम लोग पिछले 2-3 सालों में इतना सारा नेशनल इवेंट्स हम लोग ने होस्ट कर पाया है। ये पूरा अपना एक डिस्कशन है कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम लोग का अच्छा हो रहा है, और भी आने वाला दिनों में हम लोग नेशनल इवेंट और इवन इंटरनेशनल इवेंट्स को भी हम लोग होस्ट करने का हम लोग ट्राई करेंगे। सो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर बहुत अच्छा प्रोग्रेस हम लोग ने दे पाया है, लेकिन कहते हुए और भी हम लोगों को बहुत काम करना है। तो मैंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया कि जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल में हमने बहुत बार विंटर्स में टूरिंग करता हूँ, तो मैंने खास देखा कि तभी भी एक बड़ा गैप एक है हम लोगों का प्लानिंग प्रोसेस में। सो इसलिए अभी इलेक्शंस के बाद में प्लानिंग में एक नया रिफॉर्म हम लेके आ रहा है, उसमें डिप्टी कमिश्नर का इंस्टीट्यूशंस को और भी हम लोग एम्पावर करेंगे। हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा, पंचायत का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इटानगर में बैठकर वहाँ सेक्रेटरी में बैठ के हम लोग प्लानिंग कर रहा है, ठीक है काफ़ी सुधार तो हो गया। हम लोग ने पिछले 8 वर्षों से बजट प्रिपरेशन का भी लोगों से पूछना शुरू किया, CBOs का फीडबैक लेना शुरू किया, युवा लोगों का इंटरनेट का माध्यम से पोर्टल में उनका सजेशंस हम लोग ने मांगना शुरू किया, काफ़ी हद तक हम लोग सुधार कर पाया। मगर हमको और भी सुधार करना है, और भी हमको उस प्लानिंग को गांव लेवल तक लेके जाना है। सो इसलिए अभी नेक्स्ट जो प्लानिंग होगा हम लोगों का टॉप डाउन अप्रोच नहीं होगा, बॉटम से लेके फिर टॉप का अप्रोच का ये प्लानिंग हम लोग कर रहा है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ जैसे आपके ये लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट और नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रॉब्लम है आप लोग ही ज़्यादा जान पाएंगे। कोयू एरिया है, यहाँ कोयू के जितने भी जो सीनियर्स लोग हैं आप लोग ही ज़्यादा जान पाएंगे कि आपने अपने गांव में आपका कोयू सर्कल में क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ का जो प्रॉब्लम है जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जंग मुक्त हो, वहाँ में कंपेयर कर नहीं सकेगा। आपका यहाँ में पोटेंशियल अलग है, चैलेंजेस भी अलग है। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का पोटेंशियल अलग है, वहाँ का चैलेंजेस टोटली अलग है। तो सरकार का जो पॉलिसी जो है वन साइज फिट्स ऑल, ये गलत कॉन्सेप्ट है। वन साइज फिट्स ऑल बोलने से तो जैसे मैंने अभी आप लोगों का ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है हमारे लिए फिटिंग अच्छा है,
और इसको मैं खोल के एक भाई साहब को मैं दे दूंगा, आप इसको पहनो, तो उसको या तो छोटा होगा या तो काफी बड़ा भी हो सकता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू हम लोगों का नीड बेस कस्टमाइज हम लोगों का अप्रोच होना चाहिए। तो प्लानिंग भी उसी प्रकार का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीमारी, हम लोग जो बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, किसी का खांसी होता है, किसी का जुकाम होता है, किसी का किडनी प्रॉब्लम या लीवर प्रॉब्लम, किसी का हेडेक होता है, मगर वो डॉक्टर सिर्फ एक ही मेडिसिन सबको एक साथ तो नहीं मानते ना। माथा दर्द होता है तो अलग दवाई, पेट दर्द है तो अलग दवाई देना पड़ता है। उसी प्रकार से हम लोगों का प्लानिंग का भी अप्रोच उसी प्रकार से हम लोगों को करना होगा। तो अभी आपका यहाँ पे लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो कांग्रेस का सरकार था यहाँ पे, तो उस वक्त में इस डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। उस वक्त में मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कुकी साहब का साथ में था। तो इस डिस्ट्रिक्ट का जब आया हम लोग ने सपोर्ट किया कैबिनेट में, मगर इसमें जो जो इश्यूज था हमारे ओर से कैबिनेट में हमने क्लियरली रखा कि यहाँ पे हेडक्वार्टर इशू हो गया और ये कोरा जो भी है उसका इश्यूज हो, उसको अच्छा से डिफाइन करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो उस वक्त में सब लोगों का राय था कि एक बार असेंबली में जाके इसको पास कर दो, इसके बाद सब अपना आप ठीक हो जाएगा। मगर असेंबली में भी लेके गया, काफ़ी चर्चा हुआ, मगर सबको प्रेशराइज से मतलब सोचा कि अच्छा के लिए सोचा होगा कि मेरी पास करने से सब कुछ रिजोल्व हो जाएगा। पास तो हो गया। सियांग डिस्ट्रिक्ट का भी वही कहानी है, लोअर सियांग का भी वही कहानी है। डिस्ट्रिक्ट तो ऑन पेपर क्रिएट हो गया, असेंबली से भी पास हो गया, मगर उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे फंक्शन कर नहीं पाया, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी सियांग डिस्ट्रिक्ट का अगर बात करें तो हेडक्वार्टर का फाइनल हो नहीं पा रहा है, कोई बोलेंग में बोल रहा है, कोई वहाँ पंगिन में बोल रहा है, तो यहाँ का भी काफ़ी सारा इश्यूज था उस प्रकार से। तो इसके बाद मैं 2016 में मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मैंने कहा कि अभी मैं सीएम बन गया तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी जो स्टेट में जो पुराना वैक्स इश्यूज है उसको सोल्व करने का हमको करना चाहिए, नहीं भी समय तो भी हम कोशिश करेंगे। तो आपका डिस्ट्रिक्ट को भी लेके आप सबको कहानी पता है, हमने मिनिस्ट्री का जो एक टीम बनाया, मिनिस्टर्स के लोगों का टीम बना के मैंने यहाँ पे खास करके कोरापुरम का जो इशू था उसको रिजोल्व करने के लिए मैंने भेजा। एक बार तो कुछ इश्यूज के कारण से उन लोगों को अंदर जाने भी नहीं मिला, मगर नेक्स्ट टाइम जब आया तो 1-to-1 हाउस होल्ड का साथ में उन्होंने पूरा उन लोगों का चाहत क्या है, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में भेज के आपका ये कोरा सर्कल में सब लोगों से हाउस टू हाउस जाके उन लोगों का व्यूज लेते हुए तब जाके फाइनल हो गया कि उस कोरा में से दो एरिया एक कोरम हो गया और सिलो ये चला जाएगा ईस्ट सियांग में, बाकी एरिया जो है अपना लोअर सियांग में बैठेगा। उसी प्रकार से आपका यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट का भी हेडक्वार्टर का भी जो इशू है, इंटरनल मिनिस्ट्री टीम को भेज के भी काफ़ी एक्सरसाइज करवाया, लोगों से भी काफ़ी चर्चा हुआ, दोनों विधायक से भी हमारा चर्चा होके वहाँ लिखा वाली एरिया में वहाँ पे फाइनलाइज हुआ। मगर इस यहाँ का जो इशूज जो हमको पूरा पता है, क्योंकि आप लोगों को कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स मैंने ऑलरेडी MLA साहब और यहाँ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के सीनियर लीडर्स को भी हमने आश्वासन दिया कि हम लोग कुछ मॉरलिटीज जैसे हमने सीएम को जो सोल्व करके दिया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके, कुछ ऑफिसेस हमने वहाँ पंगी में भी दिया हुआ है, उसी प्रकार से कुछ कुछ ऑफिस हम यहाँ पे नारी एरिया में भी देंगे। कम से कम 3-4 डिपार्टमेंट ऑलरेडी यहाँ से DC का यहाँ में सबमिटेड है, सेक्रेटरीट में भी पेपर सबमिटेड है, उसको आने वाला दिनों में हम वहाँ पे नारी में आप लोगों को जरूर देंगे, ये हमारा पक्का वादा है। तो जो भी हो, हम लोग का जो गवर्नमेंट है BJP गवर्नमेंट, हम लोग प्रॉब्लम से भागता नहीं है, क्योंकि ये अपना ही प्रॉब्लम है, हम लोग घर का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व नहीं करेगा तो कौन सॉल्व करेगा। अरे आज देखो अरुणाचल और आसाम का बाउंड्री को लेकर भी इतना हद तक हम लोग ने सॉल्व कर पाया है। कुल मिला के उस वक्त में जो लोकल कमीशन का बाउंड्री कमिटी का जो रिपोर्ट था 123 विलेजेस का था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में पूरा मिनिस्ट्रियल का हम लोग ने टीम बनाया, आसाम के साइड से अरुणाचल के साइड से बनाया, बहुत बार लोकल एरिया में उन लोगों का अपना अपना जहाँ गाँव है वहाँ में विजिट करने दिया। आज देखो 123 विलेजेस का तो क्लियरली ऑन पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। कुछ कुछ एरिया में अभी हम लोगों को डिमार्केशन करना है। हमारा वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का तो बहुत क्लियर का साथ में डिमार्केशन भी हो गया,
अभी हमारा पापुमपरे एरिया में हो गया और यहाँ कामले एरिया और यहाँ पे इस लोअर सियाम एरिया, यहाँ में अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। बाय एंड लार्ज अरुणाचल का सब जगह में डिमार्केशन भी ग्राउंड में हो गया है, इसको भी हम लोग तुरंत इलेक्शन के बाद में हम लोग टेकअप करेंगे। तो इतना सदियों से मोर देन 60-70 ईयर्स जैसे हम लोगों का बीच में कॉन्फ्लिक्ट होके बैठ गया, इस चीज को भी अभी हम ही लोग को सोल्व करना है। हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आसामी वालों को सोल्व करना है, हम लोग ऐसे ऑर्डर से भी हम ही लोग तो अक्रॉस द टेबल बैठ के सोल्व करना है। इस प्रकार का अप्रोच जो है एक विजन के साथ में बीजेपी गवर्नमेंट हम लोग आगे बढ़ रहा है। आने वाला दिनों में और भी बहुत सारा वैक्स इशू है अरुणाचल में, वो मेरा दिमाग में है, उसको भी हम जाके सोल्व करेंगे। तब जाके अरुणाचल में हर एक सेक्टर्स में एक खुशी का एक माहौल होगा, तो पीस ऑफ माइंड देके सभी लोग अपने अपने काम भी हम लोग कर पाएगा। अरुणाचल प्रदेश जैसे मैंने कहा कि सबसे चैलेंजिंग एक स्टेट जरूर है, मगर सबसे पोटेंशियल राज्य भी है कंट्री में। अगर पोटेंशियल वाइज देखने से अरुणाचल प्रदेश के पास में जो रिसोर्स है वो बाकी स्टेट्स में उतना रिसोर्स नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे और भी थोड़ा सा रिफॉर्म कुछ कुछ सेक्टर्स में हम लोगों को करना होगा, और खास करके एज इन पब्लिक एज इन अरुणाचली हम लोगों को अपना सोच में भी हम लोगों को परिवर्तन लेके आना होगा। जब आपका सोच में परिवर्तन लेके नहीं आएगा, सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। जैसे अभी मैंने उस दिन मरियांग में भी बोला कि सबसे पहले हम लोगों को डेमोक्रेसी में किस प्रकार से काम होता है उसको समझना जरूरत है। आज यहाँ में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ऑनरेबल एमएलए लोग का काफी है यहाँ पे, ऑनरेबल एमपी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो गवर्नमेंट जो है एमएलए और एमपी, एमएलए और एमपी दे आर दी लॉ मेकर्स। एमएलए जो है असेंबली में जाके पॉलिसीज को करने डिस्कस करेंगे, अपने एरिया का प्रॉब्लम्स के बारे में मिनिस्टर्स लोगों को क्वेश्चन रखेंगे, और डिस्कशंस में भी वो लोग पॉइंट रख सकता है। अलग अलग वहाँ पे प्रोविजन होता है। उसी प्रकार से एमपी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, वहां पे डिस्कशंस पॉलिसी मैटर्स में डिस्कशंस करते हुए और अपना स्टेट के बारे में वहां पे प्रॉब्लम्स को बताने के लिए। मगर अरुणाचल में क्या हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है एमएलए के पास जाके बेचारा अभी केंद्र रीना साहब ने पूरा काम कौन किया उसको भी बोलना पड़ रहा है। ये एमएलए का काम नहीं है एक्चुअली। एमएलए को काम मांगने जाता है, सेंक्शन मांगने जाता है, उसके लिए तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वाला मुख्यमंत्री एंड मिनिस्टर्स। तो एमएलए का एक्चुअली काम ये नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को वर्किंग पैटर्न को भी हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसलिए मैं अभी प्लानिंग वाला इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इसको हम रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि पहले से ही सदियों से 1972 से ही हम लोगों का जो जर्नी हुआ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब भी आया हम लोग जब जर्नी किया तब से ही हम लोगों का आदत जो है उसी प्रकार से ही आते गया। मगर अभी तो सब लोग पढ़ा लिखा लोग है, हर एक समाज में सब पढ़ा लिखा लोग है, तो अभी हम लोगों का वे ऑफ कंडक्ट भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तब तो जाके देखिए अपना पॉलिटिक्स में भी सबको पॉलिटिक्स में आना है बोल के जगह नहीं मिलेगा। सब लोगों का अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, मतलब एक जो भी पोजिशन में है अच्छा रिस्पॉन्स फील करेगा। तो इसलिए अरुणाचल में आप लोग देख रहा होगा जब भी इलेक्शन आता है बहुत सारा कैंडिडेट्स, खास करके हमारा वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बढ़ती है, वहाँ पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कैंडिडेट्स अभी रेडी है, तैयार है इलेक्शन लड़ने का। तो ये सब चीज काफी चीज है। और इलेक्शन अरुणाचल में जो इलेक्शन प्रैक्टिस में एक जो मनी कल्चर हो गया उसको भी हम लोग कैसे बाहर फेंकना है। तो नॉर्थ ईस्ट में चलो राज्य बाकी लोगों का भी पॉपुलेशन कम है, जैसे ये मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, तो वो सब में पैसा नहीं लगता है। एट द मोस्ट कैंडिडेट का खर्चा होने से कैंडिडेट बोलेगा मेरा बहुत खर्चा हो गया। कितना खर्चा हुआ? 25 लाख खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। उन लोगों के लिए 25 लाख से इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ पे। यहाँ में तो आप सबको पता है कि क्रोर्स के नीचे तो कोई बात ही नहीं करेगा यहाँ पे तो, और क्रोर्स छुड़िए वो डबल डिजिट में जाएगा ये क्रोर्स में भी। तो इसको कैसे रिफॉर्म करना है हम लोगों को? तो इसलिए है कि यहाँ के हमारे जितने भी ऑनरेबल एमएलए हैं, हमारे पासीघाट एरिया का, पासीघाट ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, अपना किंतु रीना साहब हो गया, इसके बाद बसर के हमारे एमएलए कोकर जी हो गया, और अपना करदो जी हो गया, और राधा का जो अपना एमएलए साहब है, तो कुल मिला के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए लोगों के साथ में हमारा एक बार इंटरेक्शन भी हुआ। और सब लोगों का यही एक रिक्वेस्ट था कि एक रोड पासीघाट टू तमिन वाया कोयू ईगो गारू गेंसी सिवेरिते
तो जाके तमिन जाके पहुंचेगा। तो ये पहुंचने से आप लोगों का लाइफ के लिए मतलब फ्यूचर के लिए काफी प्रोस्पेक्ट भी होगा और काफी सुविधा होगा, इसमें इकोनॉमिक वैल्यूज भी काफी बढ़ जाएगा बोलके बताया। तो इसको चलते हुए ऑलरेडी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ने अपना एक एस्टिमेशन बनाना शुरू किया है, तो उसको लेके मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहूंगा कि इसमें थोड़ा और भी रिविजिट करने के लिए। लेकिन एक चीज मैंने डे वन को ही ऑनरेबल एमएलएस को पता है, मैंने कहा कि ये जो है क्योंकि नेशनल हाईवे में तो नहीं आएगा, तो जो भी रोड वहां पे हम लोग सेक्शन करेंगे इसका लैंड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देना होगा, क्योंकि लैंड कंपनसेशन का अमाउंट इसमें नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो ये एक क्लैरिटी है क्योंकि लैंड कंपनसेशन लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, हम लोग रास्ता बना के देना वो राज्य सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऑलरेडी मैंने एमएलए साहब लोगों को बोल के रखा हुआ है, इसको हम लोग अभी आने वाला दिनों में ऑलरेडी सरकार का डिपार्टमेंट का डिस्कशंस में ऑलरेडी रखा हुआ है, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और साथ साथ इस एरिया के लिए यहाँ के जो हमारे जीपीसी है और जीपीएम है और गांवगुरा है, इस एरिया का ये एक दो पॉइंट मेमोरेंडम हमको दिया है कि फर्दर अभी ये ब्रिज यहाँ पे बन जाने का बाद में फिर एक रोड फिर यहाँ से चाहिए पीटीए ब्रिज पॉइंट टू तावी रिपो, उसमें करीबन 3 किलोमीटर का है। और दूसरा जो रिक्वेस्ट है कि तावी रिपो से जाके फिर अपना लिपिन जो गांव है वहां में भी एक रोड चाहिए बोला है, इसको हम जरूर हम लेके आगे करके इसी साल हम सेक्शन करेंगे। आप सब लोग ने देखा होगा कि अभी स्टेट में रोड नेटवर्क को और भी बढ़ाने के लिए मैंने एक नया प्रोग्राम पिछले 4 साल से शुरुआत किया है, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्लान। तो इसमें अभी कुछ कुछ गांव ऐसे भी है कि हमारा पीएमजीएसवाई में क्वालिफाई नहीं होता है, अलग स्कीम में क्वालिफाई नहीं होता है, तो उसको हम रिसोर्स को पूल करके इस प्रोग्राम के अंतर्गत में हम जितने भी जो रोड्स है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए या नया रोड्स बनाना है, तो इस प्रकार से रोड्स का काम बहुत एक्सटेंसिवली हो रहा है। और अभी भी लेकिन आपका सियांग बेल्ट में खास करके वो रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको और भी रोड्स का काम करना होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में रोड्स और भी थोड़ा सा पहुंच नहीं पाया है हर्ष वेल्ट जो सियांग का अगर बात करेगा तो। आने वाला दिनों में ये गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग ने जो इतना फेथ करके बीजेपी को जो सरकार ने आप लोग ने लेके आया, तो आप लोगों का आशा जो है उसको काम करना ये सरकार का हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम लोग पूरा निभाएंगे। और आने वाला दिनों में जिसे कहा कानून को पूरा रिफॉर्म करते हुए एक नया चैप्टर हम लोग एक साथ लिखेंगे अपना नारीकोयू लोअर सियांग और पूरा अरुणाचल का विकास के लिए। मगर इसके लिए एक मेरा तरफ से एक यही निवेदन होगा, जैसे मैंने सांसद के लिए बोला है कि पीएम साहब का नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करना है तो सांसद को बीजेपी में देना, उसी प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे अपना नारीकोयू कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी अगर आप लोगों को डेवलपमेंट और भी तेजी गति से करना है तो यहाँ का विधायक जो है अपना बीजेपी में ही आप लोगों ने वोट कास्ट करके उसको एक्सटेंडिंग नहीं करना, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आज यहाँ से जाते वक्त इतना हम गारंटी लेके जाएगा कि यहाँ से आने वाला 24 इलेक्शंस में जो विधायक होगा वो पूरा बीजेपी का ही विधायक होगा, इतना तो हम मन में रखे जा सकते कि नहीं, इतना जल्दी हाँ नहीं बोलेगा, फिर हमको थोड़ा स्पीच लंबा करना होगा। देखिए पॉलिटिक्स में इसलिए हम बोले ना अपना ये हम लोगों का सोच विचार को चेंज करना है, खास करके मैं देखा वो अतानी ग्रुप में प्लान बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, प्लान बेस्ड पॉलिटिक्स अपना ये तो अपना गालो है आदि है, तो लेकिन उसके अंदर में भी क्या क्या प्लान है तो वहां भी पॉलिटिक्स हो जाता है, ये काम क्या किया सरकार ने, काम क्या किया नहीं किया, उससे कुछ मतलब नहीं है, प्लान बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। तो ये सब भी अभी सब लोग एजुकेटेड हो गया तो इसको भी कैसे दूर करना है तो उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में चर्चा करना होगा। तो लेकिन आप लोगों का सेंटिमेंट को हम बिल्कुल हर्ट नहीं कर रहा है ये कहते हुए, तो एनीवे आप सब लोग टीम अरुणाचल का ही पार्ट है, हम लोग फिर अभी आने वाला दिनों में और भी मैं भी आशा करूंगा कि यहाँ पे फिर हम बार बार आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर में रहा है और भी आने वाला दिनों में इसी प्रकार का आशीर्वाद आप सबसे मैं आशा करूंगा। तो आप सबने लोग ने बहुत अच्छा प्यार दिया,
यहाँ का एमएलए साहब को बहुत धन्यवाद। बहुत ही क्लीन आदमी है, सीधा सीधी आदमी है। 68 में इनका जैसे सीधा आदमी तो कोई देखा नहीं है। तो और यहाँ के जो कुमुन पार्टी है, आप लोग ने दूर दराज गांव से आके बहुत अच्छा से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया। और यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जितने भी हमारे साथ गेस्ट आए हुए हैं, ऑनरेबल एमपी से लेके और बाहर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अपना ऑनरेबल एमएलए लोग हैं, आप सभी को और से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।